छोटे बच्चों का कर्तव्य देखा, छोटे बच्चे कैसे काम करते हैं, कितनी जल्दी गणना करते हैं, वो हमने देखा। बड़े आश्चर्यचकित वाली बात है। बहुत बड़े बड़े सब उन्होंने कंप्यूटर की तरह एक चुटकी में करके दिखाए। बहुत बड़े बड़े पहाड़े उन्होंने, बड़ी संख्या के पहाड़े जो हम सोच कल्पना नहीं कर सकते, उन्होंने एकदम तुरंत एक कंप्यूटर गति कंप्यूटर की गति से करके दिखाए। ये बहुत ही मेरे लिए तो बड़े आश्चर्यजनक बात रही। यहाँ पर श्रीवास्तव जी और उनके जो टीम है एक दुनिया के साथ मिलकर के उन्होंने जो भी संयोजित किया है ये प्रेरणादायक है। मुझे हर शहर के इतने छोटे छोटे बच्चे इतने उत्साह से आपने कई महीनों की जो ट्रेनिंग पाई है उसको उन्होंने यहाँ पे कदम दिखाया भी और उसके उन्होंने अवार्ड्स भी लिए। लेकिन साथ ही मुझे हल्का सा संकोच भी है कि जितनी गति से वो लोग अपना गणित पूरा किया उतनी गति से आपने उनका पुरस्कार वितरण किया, बहुत जल्दी जल्दी किया समय कम होने के कारण। उसका मुझे खेद है कि इतने अच्छे से हम लोग उनका पुरस्कार वितरण नहीं कर सके। हालांकि मैं अभी तैयार था लेकिन बता रहे कि बहुत सारे पुरस्कार हैं, कुछ और भी बाकी हैं। मैं सभी जो पालक हैं जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पे इस विधायक से इस पद्धति से उनको वाकिफ कराया है या उनको अवसर दिया है, ऐसे सभी स्कूल जिन्होंने अपने छात्रों को इस अबेकस पद्धति से उनको अवगत कराया है, और नई दुनिया और जो श्रीवास्तव जी की एकेडमी है, अबेकस एकेडमी है, उन सबको मैं एक बार पुनः बधाई देता हूँ। बाकी यहाँ पे कुछ बच्चों ने बोला था कि टीचर बनना है कि कलेक्टर बनना है, मेरा मानना है कि मैं तो अपने जीवन में हमेशा टीचर बनना पसंद करता हूँ, अभी भी टीचर बनना पसंद करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि बच्चे अच्छे शिक्षक बनेंगे तो उनके अंडर पढ़ने वाले बच्चे जो है कलेक्टर भी बनेंगे, इसलिए शिक्षक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि बच्चों को यदि शिक्षक बनाने के लिए कोई बच्चा कहता है तो उसका हमें जोरदार स्वागत करना चाहिए, और मैं आशा करता हूँ कि जिन बच्चों ने यहाँ पे जो सीखा है उसके पुरस्कार प्राप्त किए हैं वो अपने जीवन में जहाँ भी रहें ये चीज़ को, ये जो गुण है, जो सीख है, ये अपने साथियों को और लोगों को भी दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपकी बात समाप्त करता हूँ। एक बार पुनः मैं सभी स्कूलों को, सभी छात्रों को, उनके पालकों को और विशेष रूप से नई दुनिया और अबेकस अकेडमी श्रीवास्तव जी को मैं एक बार पुनः बधाई देता हूँ, और आपने यहाँ मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया उसके लिए मैं आप लोग का धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।